दोस्तों आज है संडे और आज फिर मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए संडे आंसर बॉक्स। दोस्तों हमारी इस सीरीज में मैं आप सभी के कमेंट्स में से कुछ रैंडम कमेंट्स चूज करूंगा जिनमें आपने मुझसे टेक रिलेटेड सवाल पूछे हैं और उन सभी सवालों के अपनी इस वीडियो में मैं आंसर दूंगा। मतलब संडे आंसर बॉक्स में आप सभी की टेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के आंसर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी है कोई YouTube या फिर कोई टेक रिलेटेड डाउट तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने सवाल और हर संडे मैं आपके कुछ कमेंट्स को चूज करूंगा और उन सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो चलिए आंसर करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ हमसे पहला सवाल किया है ऋषि राज सिंह वाला ने। उन्होंने हमसे पूछा है क्रिश जी मेरे 18 डेज में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो अब क्या हुआ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा है सर मैंने ऐसा सुना है कि हमारे चैनल की जैसा सेम नेम अगर कोई और चैनल का हो तो उसको URL मिल गया तो गेम नहीं मिलेगा। उनका कहने का मतलब है तो हमें क्या नहीं मिलेगा। तो यहाँ रुचिराज जी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 18 दिन में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो आपको कस्टम URL नहीं मिलेगा। आपको पहले 30 दिन कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका चैनल 30 दिन पुराना होगा तभी आप कस्टम URL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके चैनल पे चैनल आर्ट और प्रोफाइल पिक्चर लगी होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि अगर आपका चैनल 30 दिन पहले ही 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेगा तो आपको पहले 30 दिन होने का वेट करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ आपके दूसरे क्वेश्चन की जिसमें आपने पूछा है कि अगर हमारे नेम जैसा सेम कोई दूसरा चैनल होगा और उसने हमसे पहले कस्टम URL हमारे नेम का ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो क्या हमें भी उस नेम का कस्टम URL मिल सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपके जैसा सेम नेम वाला चैनल आपसे पहले 100 सब्सक्राइबर करके 30 दिन के अंदर अगर कस्टम URL अप्लाई कर देता है तो वो नाम उसे मिल जाएगा। मतलब आपको किसी और नाम से अपना कस्टम URL अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऋषि जी उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो यहाँ दोस्तों दूसरा सवाल हमसे पूछा है संध्या भूदेव ऑफिशियल जी ने। उन्होंने पूछा है कि अगर 6 महीने चैनल को हुए हो और एक भी वीडियो नहीं डाली हो तो उसके बाद मैं डाल सकती है वीडियो, प्लीज रिप्लाई मी। तो संध्या जी मैं समझ गया हूँ कि आप क्या पूछ रही हैं। आप पूछ रहे हैं कि आपका चैनल 6 महीने पुराना है और आपने उसमें कोई वीडियो नहीं अपलोड की तो अब आप उसी चैनल में वीडियो अपलोड करना चाहती हैं। तो आपका सवाल ये है कि अगर आप अपने पुराने चैनल में वीडियो अपलोड करेंगी तो क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो इसका जवाब है हाँ। जब आप पहली वीडियो अपलोड करेंगी उसी डेट से आपकी मोनेटाइजेशन डेट काउंट की जाएगी। जैसे मेरा जो टेक विद क्रिश चैनल है वो असल में 2017 में बना था पर जो मैंने इस चैनल में वीडियो डाली है वो 2020 जनवरी में ही डाली है। तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की उसी के हिसाब से काउंट होगा कि आपका चैनल कितना पुराना है। और आप मेरा चैनल देख के ही चेक कर सकती हैं कि मेरा चैनल भी 3 साल असल में पुराना है पर मैंने सिर्फ कुछ महीने पहले ही वीडियो डालनी शुरू की है और मेरा चैनल मोनेटाइज भी है और मेरे चैनल पर बहुत एड्स भी आती हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब बस यही है कि चैनल कितना भी पुराना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने फर्स्ट वीडियो कब अपलोड की उससे YouTube देखता है कि आपका चैनल असल में कितना पुराना है। तो आप कितने भी पुराने चैनल पे अपनी वीडियो अपलोड करना शुरू कर सकती हैं और जिस दिन आप पहली वीडियो अपलोड करेंगी उसी दिन से आपका चैनल काउंट होगा। तो संध्या जी उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया हो। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल किया है अनुज्ञा शुक्ला जी ने और उन्होंने पूछा है कि वीडियो में मोनेटाइजेशन इनेबल करने के बाद कब तक ऐड आता है। तो अनुज्ञा जी मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे ही आप अपनी वीडियो में मोनेटाइजेशन इनेबल कर देंगे तुरंत ही वहाँ पे ग्रीन डॉलर का निशान आ जाएगा और अगर आपकी वीडियो के नीचे ग्रीन डॉलर का निशान आ रहा है तो तुरंत आपकी वीडियो में एड्स रन करना शुरू हो जाती हैं और आपकी वीडियो पैसा कमाना शुरू कर देती हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने मोबाइल से अपनी वीडियोस देखेंगी तो शायद आपको एड्स देखने को ना मिले, आप किसी दूसरे मोबाइल से चेक करेंगी तो वहाँ आपको एड्स देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आपकी वीडियो के नीचे येलो डॉलर का निशान है तो आपकी वीडियो के नीचे एड्स नहीं आएंगी, अगर आपकी वीडियो के नीचे ग्रीन डॉलर का निशान है तो आपकी वीडियोज़ में तुरंत एड्स आ जाएंगी। तो अनुज्ञा जी उम्मीद है आपको अपना आंसर मिल गया हो।
अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ हमारा अगला सवाल पूछा है रोशन रॉय जी ने। उन्होंने पूछा है, भाई मेरे चैनल पे 4K वॉच टाइम कंप्लीट हो गया पर क्रोम में अपडेट नहीं हुआ है, भाई तो क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई एंड हेल्प। तो रोशन जी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहले आपको ये चेक करना है कि 4K क्या हुआ है, 4K घंटे हुए हैं या 4K मिनट हुए हैं। कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें 4000 मिनट चाहिए ना कि 4000 घंटे। 4000 घंटे आपको चाहिए अगर आप अपने चैनल में मोनेटाइजेशन इनेबल करना चाहते हैं, मतलब 240000 मिनट। और अगर आपके 4000 घंटे ही हैं और क्रोम में अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्रोम में यानी इस पेज में अपडेट होने के लिए यूट्यूब 24 to 48 hours लेता है, इसके बाद ही यहाँ पे वॉच टाइम अपडेट होता है। और अगर आपने पैसे दे के अपनी वीडियो में व्यूज़ बढ़वाए हैं यानी गूगल एडवर्ड के थ्रू अगर आपने अपनी वीडियो में व्यूज़ बढ़वाए हैं, तो आपके इस पेज में वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। वो आपके यूट्यूब स्टूडियो में ज़रूर बढ़ेगा पर आपके मोनेटाइजेशन पेज में वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। बाकी अगर आपने ऑर्गेनिकली व्यूज़ बढ़वाए हैं, मतलब नेचुरली आपकी वीडियो में व्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 24 to 48 hours में अपडेट हो जाएगा। तो रोशन जी उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ हमसे अगला सवाल किया है RK सीरीज प्रोडक्ट गेमिंग ने। उन्होंने पूछा है कि भाई मेरे चैनल को 1 week हो गया है और मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है, क्या करें। तो भाई मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप अपने चैनल को रिव्यू पे भेजते हैं तो आपको 30 दिन तक वेट करना पड़ता है अगर आप अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन इनेबल करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा टाइम आपके चैनल के लिए लगेगा उतना ही आपके चैनल पे खतरा होगा। मेरे चैनल पे 2 घंटे में ही मोनेटाइजेशन इनेबल हो गई थी, मतलब मैंने अपने चैनल को रात को 1 बजे मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था और रात के 3 बजे मेरे पास मेल आ गया था कि आपका चैनल टेक विद क्रिश वो यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अगर आपके चैनल को 1 week हो चुका है तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 दिन से पहले पहले ही आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। तो इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो RK सीरीज गेमिंग जी, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया हो। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ मुझसे शुभम वर्मा जी ने पूछा है, सर पुराने एडसेंस अकाउंट पर न्यू यूट्यूब चैनल को लिंक कर सकते हैं, कैसे। तो शुभम जी मैं आपको बता दूं कि आप न्यू यूट्यूब चैनल को कितने भी पुराने एडसेंस अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, पर शुभम जी एडसेंस अकाउंट से लिंक करने के लिए पहले आपको अपने यूट्यूब के चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप अपने चैनल को एडसेंस अकाउंट से लिंक कर सकते हैं और इसके बाद ही आपका चैनल रिव्यू पे जाएगा और इसके बाद आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो पहले आपको YouTube की शर्तों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आप अपने चैनल को AdSense अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। अब अगर आपका AdSense अकाउंट पुराना है या फिर नया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शुभम जी उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। तो यहाँ हमसे एक्सपर्ट आकाश जी ने पूछा है कि टेक विद क्रिश जी पेज CTR क्या होता है। तो आकाश जी मैं आपको बता दूं कि पेज CTR आपके एडसेंस के पेज में देखने को मिलता है और इसका मतलब है पेज क्लिक थ्रू रेट। अब पेज CTR कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने पेज पे जो क्लिक आई हैं उन क्लिक्स को डिवाइड करना होगा अपने पेज व्यू से। अगर आप अपने क्लिक्स को पेज व्यू से डिवाइड करेंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पेज CTR निकल जाएगा। इन शॉर्ट पेज CTR का मतलब है कि जितने भी आपके YouTube चैनल पे या फिर अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, जितनी भी एड्स दिखाई जा रही हैं हर जगह पे, लैपटॉप में या फिर मोबाइल में या फिर टैबलेट में, उन सभी एड्स पे अगर कोई क्लिक करता है तो उसे CTR कहते हैं, यानी क्लिक थ्रू रेट कहते हैं। बाकी इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको डेमो देके दिखा दिया है। तो आकाश जी उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। तो दोस्तों ये थे कुछ कमेंट्स जो कि मैंने रैंडमली चूज़ किए थे। तो उम्मीद है आप सभी को मेरे आंसर से सेटिस्फेक्शन मिल गई हो। बाकी अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स अपनी इस सीरीज़ में लूँ जिस सीरीज़ का नाम है संडे आंसर बॉक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको आई हो पसंद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो अब लूँगा आपसे इजाजत, मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो एक नए अपडेट के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।